शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कामिनी, ये क्या किया तुमने? अरे ये दोनों तो मास्टर के खास आदमी थे। खास आदमी? ये दोनों सरकारी जासूस थे जो हमारे सारे सीक्रेट्स इस डायरी में दर्ज करके मिलिट्री के हेडक्वार्टर तक पहुंचाना चाहते थे। मतलब हमारे हथियार से भरे हुए जो दोनों ट्रक जा रहे हैं उनकी भी खबर वहां पहुंच चुकी है।
ऐ देश के दुश्मनों, कान खोल कर सुन लो, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद पे लहराता हो तिरंगा। सड़क पर कुछ गैर कानूनी काम हो रहा है, मैंने हथियारों से भरे दो ट्रक पकड़ लिए हैं। ऑफिसर्स, हमें कमांडो विजय पर बहुत फख्र है, छुट्टी पर होते हुए भी वो ड्यूटी नहीं भूला। उसने यहाँ के मशहूर मास्टर डीडी के हथियारों से भरे हुए दो ट्रकों पर कब्जा कर लिया है। वाकई कमांडो विजय का जवाब नहीं सर, ही इज डेयर डेविल, डेयर डेविल। बेटे ये सब क्या है? ये वो बीमारी है जो देश को खोखला कर देगी। मगर विजय बेटे, तुम तो ड्यूटी से छुट्टी पर आयो, पर ये सब? तीनों का कहा, जब फर्ज ने पुकारा वहां ड्यूटी पर, जब ड्यूटी खत्म तब छुट्टी पर। वाह भाई वाह, मुझे ना से तुझ जैसे सिपाही पर जिसकी हर सांस में देश का भविष्य जिंदा है। बेटे, ये वो हस्ती है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, गुलामी के जंजीरों को तोड़ने के लिए पता नहीं इनको क्या क्या करना पड़ा, और आज बेटे इनकी ये कोशिश है कि इन पहाड़ियों से जो गैर कानूनी गोला बारूद और हथियार यहाँ आ रहे हैं वो ना आने पाए, इसलिए ये इन नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर, जो काम हम वर्दी पहनकर कर रहे हैं वो फर्ज अब बगैर वर्दी के निभा रहे हैं। भाई, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन देश के लिए कौन जीता है? देश का जवान। सलाम साहब। सलाम, ये कौन है? ये बबलू, मेरा छोटा भाई, गांव से इसे बुला लिया काम करने के लिए, हम दोनों माँ की खूब सेवा करते हैं। चल सामान निकाल। माँ, मैं तुम्हारा बेटा विजय हूं। माँ जी, मैं आ गया। तू अपनी इस माँ को छोड़ छोड़ कर क्यों चला जाता है? तू अपनी इस माँ के पास रहता क्यों नहीं? माँ, सरहद पर जितने भी जवान हैं, हर जवान की माँ चाहती है कि उसका लाल सदा उसके आंचल में छुपा रहे। अगर हर जवान उसकी माँ के पास रह गया तो धरती माँ की देखभाल कौन करेगा? हाँ, धरती माँ की रक्षा तो जरूर करनी चाहिए, दुनिया का हर बेटा तो अपनी माँ के लिए जीता है, लेकिन तुझ जैसा शूरवीर बेटा ही धरती माँ की इच्छा? हाँ हाँ, मेरा बेटा तो पता नहीं मेरी माँ का यह पागलपन कब दूर होगा। कमांडो विजय तिरंगे का रखवाला है, मास्टर डीडी तिरंगे का दुश्मन, सारी दुनिया को बारूद की ढेर पर बिठाकर मौत की लोरी सुना रहे हम, सबसे ताकतवर है हम, सबसे बड़ा पावर है हम, जाकर कह दो उस कमांडो विजय से, शमशान की आग बना देंगे, चिता की राख बना देंगे उसके जिंदगी को। सुना।
रिलैक्स मास्टर, रिलैक्स। अगर सही वक्त पर सिपाही मर जाए तो वो अमर हो जाता है। मास्टर, दुश्मन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दीजिए ताकि वो जीता भी रहे हमारे सामने और आखिरी सांस तक रिंगता भी रहे हमारे सामने। तुम काली टोपी लाल रुमाल को जानते नहीं कामने। अगर इसी तरह से कमांडो विजय से हम शिकस्त खाते रहे तो काली टोपी को क्या जवाब देंगे हम? मास्टर, अब तुम कामिनी का निशाना देखना। कमांडो विजय मेरे निशाने से बच नहीं सकता। छोटे भाई ने भी ऐसी चोरी की थी जिसके कारण मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी मां छोड़नी पड़ी। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता जब मेरी मां जिंदगी और मौत के बीच दर्द से तड़प रही थी। हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, हम अपनी तकदीर पर रो रहे थे। तब मेरा छोटा भाई कुछ रुपया चुरा कर घर आया।
उन रुपयों के साथ एक मनी ऑर्डर फॉर्म था। मैं उस मनी ऑर्डर फॉर्म के एड्रेस पर उस लड़के के घर पहुंचा। जब मैं घर लौट कर आया तो मेरी मां मर चुकी थी। मैं अपनी मां की चिता को आग लगाकर मुंबई से दार्जिलिंग पहुंचा, जहां मैंने विजय की बहन शालू और उसकी मां को देखा। विजय के सिवा उन दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मुझ पर बिजलियां गिर पड़ी। मैं जब उस मां को 5,000 रुपये देकर जाने लगा, उस मां ने अपने बेटे विजय के बारे में पूछा और मजबूरन मुझे बताना पड़ा। ना जाने भाई, इस दुनिया की भीड़ में तो कहां है। इतने सारे बटवे मार दिए। अरे कटरिंग की विद्या है प्यारे,
जेब में हरियाली हो तो हर रोज दिवाली है। लगता है बंबई वालों की जेब में बहुत पैसे आ गए, बस हमारे जैसे चाहिए निकालने के लिए। मुंबई बड़ो आजकल नंबर वन पे। क्या मतलब? कमाए के अंदर पूरी दुनिया में मुंबई नंबर वन पे, महंगाई के अंदर भी मुंबई नंबर वन पे, लफड़े झगड़े में भी नंबर वन पे, और काम बजाने में भी नंबर वन पे। चुप है, कुछ भी बकते रहता साला। सच्चाई है सच्चाई भाई, मुंबई हर मैदान में नंबर वन है। तो एक काम कर, बोल आज चलकर बंबई के कोई नंबर वन होटल में ये सारे पैसे उड़ा दे। उड़ा दे इसके बेटे। कभी सोचा है जिन लोगों के जेबें काटी हैं, आज रात उन लोगों के बीवी बच्चे खाना खाएंगे या भूखे ही सो जाएंगे? अरे बाबा, अगर इस दुनिया में जीना है तो सिर्फ अपना सोचना, सिर्फ अपना। और फिर आज के दौर में कौन किसकी जेब नहीं काट रहा है, अरे चारों तरफ तो कटिंग की मारा मारी है, कटिंग की। दुनिया का हर आदमी अगर ऐसा ही सोचने लगे, एक दूसरे को काटने लगे, तो दुनिया में क्या बचेगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तू ये रास्ता छोड़ क्यों नहीं देता? ईमानदारी का रास्ता इख्तियार क्यों नहीं कर लेता? ए बाबा, तू चुपचाप अपना कोना पकड़ कर बैठना रे, खाली फोकट में नसीहत देते रहता है। ए चलो रे। अरे खुदावंद करीम, रब्बुल आलमीन इन भटके बच्चों को नेक हिदायत दे और अकल सलीम। यार कब को ऑर्डर दिए ला, ये खाना क्यों नहीं आया अभी तक? चुप है साले, ये फाइव स्टार होटल है, कोई बटियार खाना नहीं। ए भाई, मेरे को खाने से पहले चाय की आदत है, एक घंटा हो गया बोल के। ये चाय आसाम से आ रही है, दार्जिलिंग से आ रही है? ले आगे तेरी चाय। ये तो गर्म पानी है। अबे फाइव स्टार में ऐसी ही चाय मिलती है? कैसी चाय मिलती है? ये देख, ये पानी, ये दूध, ये पत्ती, ये शक्कर, ये सब चारों चीजों को तू कप में मिला और ले बन गई तेरी चाय। चाय मंगाई तो शक्कर अलग, पत्ती अलग, दूध अलग, पानी अलग, मिला के पियो। अपन ने जो बिरयानी का ऑर्डर दिए ले, वो भी ऐसे आएगा, चिकन अलग, हल्दी अलग, नमक अलग, तेल अलग, घी अलग, मिला के पी लो, खा लो, बड़ा पौनी खाओ बाहर। ऐसा नहीं होता क्या लड़की है? बहुत टकसाल है, टकसाल। टकसाल क्या यार, तेरे को तो हर लड़की के बदन पर नोट चिपके नजर आते हैं टकसाल। मुझे पता नहीं तू क्या देख रहा है, लेकिन मैं उसका सबसे खास वाला पार्ट देख रहा हूँ। आंखें नहीं, नीचे होंठ नहीं, और भी नीचे ठुड्डी, उसके भी नीचे। मैं बोलू क्या देख रहा तू? बोल। जब देखो तेरे दिमाग में एक ही बात घूमते रहती है, अपनी अकल के अंदर उसके गले में वो चमक तो बाहर देख। माता के नहीं हो गया बेड़ा पार। चले चल 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 चल। Excuse me. जी जी, बंदे को किशन कन्हैया कहते हैं, योर गुड नेम प्लीज। शट अप। ओह नाइस, अच्छा है, अच्छा है, बहुत वेरी गुड। ये ब्लडी फूल? हाँ जी मैडम, कौन सा फूल? गुलाब का, कमल का, गोभी का। सर लगता है हम किसी घटिया जगह पर आए, लेट्स गो। अजी सुनिए तो, बिना कुछ खाए पिए ऐसी ही चली जाएंगी? गो टू हेल। क्या हाल बना रखा है, कुछ लेती क्यों नहीं हो? कमाल की लड़कियां यार, ना मुस्कुराई ना हाथ मिलाई, हाथ मिला के निकल गई। अबे हाथ नहीं मिलाई तो क्या हुआ? हाँ। नजरें तो मिलाई। नन्हे इस हीरे की चिड़िया का तू पता लगा? ये ले, इसमें सफेरे का सांप है, दो घंटे के लिए से भाड़े पर लाया हूं, जा अपना कमाल दिखा। ये जहर वाला सांप तो नहीं है ना? अबे साले, सफेरे के सांप भी कभी जहर वाले होते हैं? नहीं नहीं नहीं, होता तो नहीं है, मगर पूछ रहा हूँ यार, डर लगता है ना बाबा। अच्छा अच्छा, आप लोग चलिए, हम लोग आते हैं। चलिए चलिए। अरे ऐसे गले में हार तो है नहीं यार, ये शाम ढूंढते ढूंढते हार भी ढूंढ लेंगे। हाँ हाँ, जा 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 जा, साफ 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 साफ। तू ही काम कर, तू उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। आजा भैया, आजा, कहाँ 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 है तू मेरे भाई? साफ 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 साफ। मिला? क्या मिला? सांप? और नहीं नहीं, वो अभी मिल जाएगा मैडम, देखिए मैं अभी सांप को पकड़ लेता हूँ। Thank you.
हुआ? क्या हुआ? सांप। कहाँ है सांप? उधर गया। किधर गया? उधर गया। हाँ। अरे सांपवा, रंग बदल रहा है, काले से ब्राउन हो जाता है रे। मिल गया, मिल गया, मिल गया। संभालना, संभालना। हाँ हाँ, आप संभालना। मैं भी संभालूंगा। बच्चे कहाँ जाएगा? मुझे राष्ट्रपति ने, राष्ट्रपति भवन ने बुलाकर अपने सांपों के साथ एक लीटर दूध पिलाया, समझे? मैं बहुत बड़ा सपेरा हूँ, वर्ल्ड का मानव सपेरा, सपेरा नन्ना। अभी ये क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा हूँ? सांप पकड़ लिया हूँ। ये काट लेगा? ये क्या काट लेगा, मैं इसको काट लूंगा। अभी ये जहरीला है, इससे ज्यादा जहर तो मुझमें है। ये अपना सपेरा वाला नहीं, ये तो पीला वाला है। अरे पीला नीला कर दूंगा, सपेरे को समझ कर। कोई जंगली लगता है मुझे। चले गया और ये मैंने पकड़ लिया मैंने। हाँ जी। अच्छा मैं चलूं? जी। ओके। थैंक यू। अरे क्या हुआ, हार मिला? नहीं, हार तो नहीं मिला, लेकिन ये अंगूठी मिल गई। अंगूठी मिल गई? कुछ तो ऐसे हो रहा जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। मारने गए थे हार और हाथ लगी छोटी सी अंगूठी। अबे साले, ये अंगूठी नहीं बल्कि वो हार तक पहुंचने के लिए सीढ़ी है। देखकर मेरी चाहत की ज्वालामुखी, ए विलन, क्यों हो गया तू इतना दुखी? पान भी पंखे से इतनी पतली रसी, अरे मरने में भी इतनी कंजूसी। तूने क्या समझा है मर जाऊंगा? अरे मैं वो विलन हूँ जो मरने के बाद भी आऊंगा, आऊंगा, आऊंगा। अरे ऐसी हुई बात तो मैं अपने हीरो को दूंगी आवाज। हीरो, हीरो। मैं आ गया, मैं आ गया हूँ मेरी जान। कौन हो तुम? हाँ, आपका हीरो। शराब, लाइट ऑन, लाइट। तुम? जी। तुम तो वही हो ना, वो घटिया आदमी जो मैं रेस्टोरेंट में मिले थे। देखिए देखिए, कभी कभी घटिया लोग में भी बढ़िया लोग मिलते हैं। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट आउट? आपके लिए जान की बाजी लगा दी, गेट आउट? मैं हीरो बनकर आया हूँ, गेट आउट? मेरा दोस्त बेचारा उन कमीनों के हाथ मार खाया, उसको भी गेट आउट? आपको क्या पता आपकी अंगूठी के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा? मेरी अंगूठी? जी हाँ, कल आपके यहाँ दो सपेरे आए थे। हाँ। एक सांप भी लाए थे। हाँ हाँ। आपको पता है क्या मार कर गए? क्या? आपकी ये अंगूठी। आप संभाल कर रखिए, आपको पता नहीं मेरे दोस्त की क्या हालत हुई है ये आपकी इस अंगूठी की वजह से। देखेंगी उसे? हा? दोस्त, दोस्त। अरे अरे संभाल कर दोस्त। डॉक्टर कहता है हड्डियां नहीं जुड़ सकती है, मैं कैसे चल रहा हूँ भगवान नहीं जानता है। बिल्कुल इस देश की तरह भगवान के भरोसे चल रहा हूँ। आओ थोड़ा मुझे वहां तक। नन्हे नन्हे संभाल। ये हाथ की कुछ छह हड्डियां, ये हाथ की कुछ चार हड्डियां, इसके साथ साथ गर्दन की भी कुछ हड्डियां तकलीफ में आ गई। देखा मैडम, अब इसके बदन का कोई पार्ट काम का नहीं है। सुन बढ़िया है। और ये सब आपकी इस अंगूठी की वजह से। I'm sorry, I'm really sorry. What sorry? पूरा काम भारी हो गया है, हड्डियां जुड़ नहीं सकती, डॉक्टर ने बोला। बिल्कुल नहीं। ये देखो आवाज आ रही ना, आंखों का कनेक्शन टूट गया है, ईस्ट-वेस्ट एयरलाइंस हो गया है, घड़ी की पेंडुलम की तरह ये चलती रहेगी ऐसे ही, यूं ही। अब मैं भी पेंडुलम हो गया हूँ। नन्हे, अरे संभालो, अरे संभालिए, संभालिए, संभालो, उठने की कोशिश कीजिए ना। उठाइए, उठाइए। आपने उठाया, वरना उठता ही नहीं था बंदा। हड्डियों में जान आ गई। तू जिंदगी से हार गया? हार गया? गया। चल चल। अरे ये ले जाइए प्लीज। इतने बड़े हार के बाद इसकी कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। जो बीत गया बीत गया, मैं भी जीत गया, ये भी जीत गया। अच्छा मैं साहब, हम लोग चलते हैं। सुनिए, इस अंगूठी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेचारा कितना अच्छा आदमी है, बेकार में हमने से घटिया समझा, मुझे मेरी अंगूठी लौटाए। वो तो है। अरे अंगूठी छोड़, तेरा हार कहाँ गया? मेरा हार, मेरा हार। अरे यू, मेरा हार ले गया वो। कमांडो विजय ने उस तूफानी समुद्र को एक ठहरा तालाब बना दिया है।
पानी की मौजों ने भी कभी चट्टाने तोड़ी है जो दो घोड़ी का मिलिट्री ऑफिसर हमें तोड़ देगा। रिलैक्स रिलैक्स मास्टर रिलैक्स। मौजों से चट्टाने टूटती हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कमांडो विजय जरूर टूटेगा। ये कौन है? कमांडो विजय की कमजोरी है। बड़े खूबसूरत कमजोरी है ये। ये फूल के साथ भंवरा, और भंवरा बेईमान होता है, इसका भी कोई ईमान नहीं। इसका मतलब सौदा आसान है। मास्टर मेरा निशाना कभी खाली नहीं होता। गुड, जाओ अगले बार की तैयारी करो। तुम यहां? अब तुमसे मिलना था, चली आई। इस तरह खिड़की से? प्यार अंधा तूफान होता है जी, कहीं से भी आ सकता है। हाँ कुछ बदले बदले से नजर आते हैं सरकार मेरे, जैसे सीने पर कोई वार दिल पर है तलवार मेरे। अरे वाह वाह क्या बात है। अरे क्या बात है भाई, किसी ने तुम्हें इस तरह आते हुए देख लिया तो? देख लिया तो मैं बच के आती हूँ बच के जाती हूँ। तो आती क्यों हो? रास की बात है। जाती क्यों हो? रास की बात है। अरे बताओ तो सही, क्यों आना हुआ? सुना है तुम माजी को लेकर शहर जा रहे हो इलाज के लिए? हाँ वाह, डिपार्टमेंट से खबर मिली है कि अमेरिका से एक डॉक्टर आए हैं जिन्होंने बरसों पुराने दिमागी मरीज को ठीक किया है। अच्छा। शायद माँ ठीक हो जाए। अरे तुम लोग पॉकेट मारते मारते लड़कियों के हार भी चुराने लगे। लेकिन साहब मैंने कोई चोरी। पकड़ा गया कसाई के हाथ में, अब मुझे ये कुछ करना पड़ेगा। चल चल पैसा। साहब शक्ल से तो ये आदमी चोर नहीं लगता। हाँ बाप ये करते हैं, अपराशित करने में किसी की पूरी जिंदगी चली जाती है। एक महीने के लिए दुनिया भर की जेब काटूंगा लेकिन आपकी जेब नहीं काटूंगा। चुप, तुमने हमको खाने पीने वाला इंस्पेक्टर समझ रखा है? नहीं, नहीं। अरे मैं बहुत कड़क हूँ। अच्छा साहब एक काम कीजिए, वो जो हीरे का हार है ना आप घर ले जाइए और अपनी बीवी को पहना दीजिए। साहब राजकुमारी लगेगी राजकुमारी। ये मेरी कमजोरी नहीं है। क्या हुआ? सुई चुभ गई बाबा। सुई कहाँ? यहाँ। कौन है तू? मैं चंपक अली। तू आया था कल मस्तान गली खाने 16 साल की मूंगफली। अच्छा तो तू वहाँ की कली है? कली हूँ मगर अब तक खिली नहीं है। ए बंदर चलना अंदर खोल। चल। ओई माँ यहाँ तो कोई मत कल अंदर, मैं कैसे रहूंगी अंदर? अरे तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, निकल यहाँ से। नहीं साहब मैं यहाँ से नहीं जाता। ये रानी जाना मैं तेरा। मैं चंपा कर ली। तू पकड़ अरे गली, निकल यहाँ से। अरे मुझे अरे साहब जा जा जा। हाँ जा जा बच्चा है। चलो उतारना कपड़े। ओ उतारता हूँ उतारता हूँ। मैंने कपड़े उतार दिए। अब तुम भी अपने कपड़े उतारो ना। मुझे शर्म आती है। क्यों? पहले तुम आंखें बंद करो।
आओ, लो, मैं आंखें बंद कर ली। जब तुम्हें हाँ ना कहूँ खोलना नहीं हो? नहीं खोलूंगा, हाँ? नहीं खोलूंगा। खोलूं? खोलूं? नहीं। मैं आंखें खोलूं? आप खोलो। यही आपका बेटा विजय है, यही आपका बेटा विजय है जो बचपन में मुंबई चला गया था। विजय मरा नहीं है, वो जिंदा है। ये आपका बेटा विजय है, विजय है, ये विजय है। विजय मां, तो मेरा बेटा विजय है ना? हाँ मां, मैं ही तुम्हारा बेटा हूं विजय। लेकिन मेरा बेटा तो नहीं। मां, किसी ने तुमसे झूठ कहा था कि वो मर चुका है? हाँ? जी हाँ, यही आपका बेटा विजय है। मां, मां, मैं कौन है? मां, ये तुम्हारी बेटी शालू है, हमारी शालू है मां। हाँ? मेरी बेटी मिस्टर विजय, एक बात का ख्याल रहे कि आपकी मां को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि उनका बेटा विजय मर चुका है, नहीं तो उस सदमे से उनकी मौत हो सकती है। डॉक्टर साहब, वादा करता हूं मेरी जिंदगी में चाहे बड़े से बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, मैं जिंदगी का हर जहर पी लूंगा, लेकिन कभी इस मां को यह एहसास नहीं होने दूंगा कि मैं उसका बेटा नहीं। तुमने तो बोला था कि नोटों का कुआं होगा, कहीं मौत के कुएं में तो नहीं धकेल रहे हो? अरे अरे, बात तो माल की हुई थी, माल कहां है? सब मिलेगा। अरे बाप रे, या तो माल ही माल। अरे साहब, साहब, ये इतने सारे नोट, साहब मैं मर जाऊंगा साहब। अरे साहब बस कीजिए, साहब बस कीजिए। अरे साहब, इतने सारे नोट देखकर मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा साहब। अरे साहब, आप हुकुम कीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इस लौंडे को जानते हो? अरे साहब, अगर नहीं भी जानता हूं तो इतने सारे नोटों के ढेर में जान जाऊंगा। अरे ये लड़की, अरे साहब ये तो वही मुर्गी है जिसने मुझे एक बार हीरे के अंडे दिए थे, हीरे के। मैं कभी गलत पत्ते पर बाजी नहीं लगाता। और मैं आपका हुकुम का इक्का सर, हुकुम का इक्का। आप बस सिर्फ हुकुम कीजिए, इस लड़की को उठाना है। अरे साहब, इतने सारे नोटों के लिए मैं शहर की सारी लौंडियों को उठा सकता हूँ। ये उठा लूं? पैसे उठाने से पहले एक बार सोच लो, अगर इस लड़की को उठाने में तुम कामयाब नहीं रहे तो तुम्हारी अर्थी भी उठ सकती है, और अगर कामयाब हो गए तो बख्शीश भी मिल सकता है। अरे साहब, तो मेरी बख्शीश तैयार रखिए, आज तक कोई बाजी नहीं हारी। लड़की को इस पते पर ले जाना है। साहब समझ लीजिए कि चिड़िया चाल में फंस गई है। वाओ, क्या जगह है। ओ, ब्यूटीफुल व्यू, कितना रोमांटिक नजारा है ना, वो देखो। हाय शालू। स्टॉप, यू चीट। अरे ये क्या कह रही हैं आप? लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। अच्छा, आपके हॉस्टल में आए थे, आपकी अंगूठी लौटाई थी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया था। सर, वैसा नहीं है। सारा हार कहाँ है? हार? कौन सा हार, कैसा हार? देखिए, आपको गलतफहमी हो गई है, आप इल्जाम लगा रही हैं। इन्होंने तो आपकी अंगूठी लौटाई थी, ये आपका हार मार सकते हैं? इनको देखिए आप, कपड़े देखिए, ये जैकेट, ये जूते, ये पैंट, ये बेल्ट, ये ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कभी नहीं कर सकते। बकवास बंद करो, तुम सब मिले हुए हो। एक मिनट ठहरिए, अब बहुत हो चुका है मैडम, आप बिन वजह हम दोनों पर इल्जाम लगा रही हैं। कितने का था आपका हार? पूरे 2 लाख का। नन्हे तू बैक खोल। लेकिन 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 कुछ नहीं, जो मैं कहता हूँ तू वही कर। देखिए मैडम, ये पूरे 5 लाख रुपए हैं, आप इसमें से अपनी हार की कीमत ले लीजिए
और आइंदा हम जैसे इज्जतदार शरीफ लोगों पर ऐसा घटिया इल्जाम मत लगाइए। मैं बोलता था ना कि प्यार व्यार का चक्कर कितना बुरा होता है, अब मिल गए प्यार का सिला। आपने मेरा हार नहीं नहीं मारी, और आपकी जानकारी के लिए बताओ मैडम, ऐसे से हार नहीं, दान दिए दान। ऐश्वर्य से पूछिए। नहीं नन्हे, नहीं नहीं मुझे बोलने दो, मैं ब्रीफ केस बंद कर सकता हूँ लेकिन मुंह बंद नहीं कर सकता मैं। अच्छा बोल दे। ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जो उनके सर पे ताज पहनाते हैं ना डायमंड का, इनकी भेजी हुई गिफ्ट है। जी जी, अबे बहुत हो चुका है ये जी जी, इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद मैं यहाँ एक मिनट के लिए भी नहीं रुक सकता। बिल्कुल नहीं नन्हे, तू इनको इनकी हार की कीमत दे दे जी, और मैं चलता हूँ। सुनिए प्लीज, सुनिए प्लीज, प्लीज माफ कर दीजिए ना मुझे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हम कौन होते हैं आपको माफ करने वाले, हम तो ठहरे एक चोर ना। देखिए अगर बार बार आप यही बात दोहराएंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। आप तो पहले से ही हमसे नाराज हैं। आप यही चाहते हैं ना, तो ठीक है। अरे चालू, अरे हो जाना चालू। बदन में जादू, एक चाल में शोखी, बदन में जादू, वल्ला वल्ला चाल में शोखी, वल्ला वल्ला और नजाकत, ओ ए माशा अल्लाह, ए माशा अल्लाह, उम्र में मस्ती, राजा ये बंगला तो कितना अच्छा है।
बस अपना ही समझो। याली? हाँ। राजा, इंसान सोचता क्या है और क्या हो जाता। देखो ना, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा और तुम कितने अच्छे निकले। सच ही कहा है किसी ने, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। चालू, my darling। राजा, तुम्हारी बाहों में आके ऐसा लगा कि मुझे एक नई जिंदगी मिल गई। जिंदगी तो मुझे मिल गई है शालू, माय डार्लिंग, और वो भी ऐसी जिंदगी जो मुझे 10 जन्म में भी नहीं मिल सकती। अच्छा डार्लिंग, तुम बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? अरे सुनो, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल सरप्राइज लाने, पक्का, मैं 2 मिनट में आता हूँ। है बाकी के पैसे, चिड़िया पिंजरे में बंद है और ये रही उसकी चाबी, और ये रहे तुम्हारे बाकी के पैसे। ओके, हेलो मास्टर, उस लड़के ने कमांडो विजय की बहन को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लिया है। वेरी गुड, एक काम करो, जल्द से जल्द वो कमांडो विजय की बहन को लेकर यहां पहुंच जाओ। ओके, ऑपरेशन सक्सेसफुल। अब कमांडो विजय के सारे पर कट जाएंगे और वो बोली भी हमारी बोलेगा, चाल भी हमारी चलेगा। अरे इतना ही नहीं, सरहद पार से हथियार, बम, बारूद, मिलिट्री की गाड़ियों में हमारे लिए कमांडो विजय लेकर आएगा। और ये मास्टर रोज थोड़ा थोड़ा इस हिंदुस्तान को बर्बाद करके करोड़ों रुपए कमाएगा और एक दिन पूरे हिंदुस्तान को खा जाएगा। है ना कमाल का खाना, बोला था तुम लोगों। अरे खाना रे, अरे खाओ रे। मेरा ख्याल तो भारी बटवा मारा है तूने। अबे बटवा नहीं, आज बहुत मोटी मुर्गी काटी है। लगता है कोई बड़ा बकरा काटा है तूने। बकरा नहीं, बकरी बोल, बकरी। बकरी? हाँ बहुत मेमे करी थी साली। वो नेकलेस वाली तो नहीं बाबा? आ, 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 सही पहचाना। क्या बात है बाबा? बाबा ये क्या हुआ बाबा? बाबा, बाबा किसने मारा तुम्हें बाबा? बोलो बाबा, किसने मारा तुम्हें बाबा? मैं बड़े शाह बाबा के दरगाह पर तुम लोगों के लिए मन्नत मांगने जा रहा था। तुम लोग बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलो। अचानक एक लड़की की चीख सुनाई दी। भागना बेटी भागना, तू मेरी फिक्र मत कर। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मगर वो जिंदगी किस काम की जो किसी के काम ना आए। मेरी जिंदगी काम आ गई, मगर वो इंसान जानवर होगा जिसने मासूम के साथ विश्वासघात किया। बेटा, ये तुझे मेरी आखिरी नसीहत है। दुनिया में जिंदा रहने के लिए बड़े से बड़ा ताला तोड़ना, मगर विश्वास का ताला मत तोड़ना, मत तोड़ना। बाबा मोहम्मद रसूल। बेटा, विश्वास का ताला मत तोड़ना, विश्वास का ताला मत तोड़ना। तुम शायद यह देखने आए हो कि तुम्हारी चालबाजी, तुम्हारी मकारी
कामयाब हुई या नहीं? मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, लेकिन शालू खबरदार, खबरदार अगर अपनी फरेबी जबान से मेरा नाम भी लिया तो। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? शालू मैंने गलत किया और उसका मुझे बेहद अफसोस है। गलत नहीं, बिल्कुल सही क्या तुम? अपनी जेब भरने के लिए मेरा सौदा किया, चंद नोट कमाने की खातिर मुझसे मोहब्बत का ढोंग किया और फिर अपना मतलब निकालने के लिए तुमने मेरी मोहब्बत का गला घोट दिया। मैं अपने किए हुए हर पाप का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। भी तुम ही ने चुराया था ये चीट, तुम ये हार लौटाकर मेरा विश्वास हासिल करना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से और फिर कभी अपनी सूरत मत दिखाना। तुम मेरी मोहब्बत तो क्या मेरी नफरत के भी लायक नहीं हो। चले जाओ यहाँ से। Get out! एक मामूली सी लड़की को नहीं ला सके तो हमारी दुनिया में जीकर क्या करोगे? इन्हें खत्म करके हमारी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती कामिनी। अब कमांडो विजय को इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट हमला करके खत्म कर देना चाहिए। मासूम बच्चों के बहे खून की एक एक बूंद का हिसाब देना होगा। मास्टर से टकराएगा तो खाक होकर जमीन की धूल बन जाएगा तू। न जाने कितने शहीद चिता में जलकर राख हुए, न जाने कितने मिट्टी में दबकर खाक हुए, तब जाकर इस मिट्टी से हम जैसे जवान तुझ जैसे गद्दारों को मिटाने वाली आग हुए। कमांडो विजय मिटाकर रख दूंगा तेरी हस्ती को, तिनकों की तरफ बिखेर कर रख दूंगा तेरी जिंदगी को। ए मास्टर, मौत की हथेली पर चलने वालों को कफन से मत धमका। मैं तुझे मार डालूंगा कमांडो विजय। दूसरों की सांसें छीनने वाले, आज के बाद मैं तेरी सांस लेना मुश्किल कर दूंगा। ये ना समझना कि मुझे कैद करके तू चैन की सांस ले सकता है। काली टोपी लाल रुमाल तुझे बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा तुझे। कौन है ये काली टोपी लाल रुमाल? ए, चले नने। हाँ, ए लो। अबे साले मैं हूं, चल उठ। राजा
तू मेरे को लगा हवलदार है यार। सॉरी। हाँ दे अभी ये बोझ हल्का करना है। अरे छोड़ यार, इन उंगलियों ने हमेशा पॉकेट का बोझ संभाला है, अपने से काम नहीं होगा। आज के बाद यही करना पड़ेगा, समझे? अरे शालू ने तेरे को दिल की चोट क्या दी, तूने अपनी दुनिया बदल दी यार। अरे तुझसे नफरत करने वाली उस लड़की की मोहब्बत में तू क्या से क्या बन गया यार। अच्छा खासा पॉकेट मारते थे, खाना खाते थे, ए भाई तेरी ईमानदारी महंगी पड़ गई, सड़क किस्ती नरम पड़ गई, जूते घिस गए, हाथ पांव थक गए, और ये उंगलियां है ना चीख चीख के मेरे को बोल रही है मेरे को कहीं घुसना है किसी के पॉकेट में घुसना है। उसको बोला ठहर, तेरा श्रावण महीना चल रहा है। ये भाई तूने कैसे घाटे की मोहब्बत की है यार। ऐसे मत बोल, ये जितने काले धंधे मैंने छोड़े हैं सब शालू की वजह से, वो मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी बनकर आई है। नई रोशनी बन के आई और अंधेरे में डाल के निकल गई। देख भाई तेरे बाबा के चक्कर में मैं ऐसा फंसा हूँ जैसे मकड़ी के जाल में मक्खी, मगर मैं तो मक्खा बन के फंसा हूँ। चुप है साले, काम कर, जब देखो बकवास करते रहता है। राजा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। काली टोपी लाल रुमाल, मास्टर की गिरफ्तारी से बहुत ही अपसेट है। मिलिट्री वालों ने मास्टर को कहां छुपा रखा है पता लगाना है। अब तो कमांडो विजय को मुट्ठी में करना है। चोर पकड़ा गया। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, सब जान गई मैं। क्या क्या जान गई हो तुम? सब कुछ। मैं कमांडो विजय की बहन, इतनी बेवकूफ नहीं, चारों तरफ नजर रखती थी। क्या मतलब? मतलब ये फांस लिया ना विजय भैया को। क्या भक्ति हो तुम? अरे जाति के दरो, गिरफ्तारी की पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। गिरफ्तारी? हाँ। अरे तुम्हारा जुर्म सबूत के साथ मिला है हमें। जुर्म? कौन सा जुर्म? जुर्म है इश्क का। और इसकी सजा मिलेगी उम्र कैद। क्यों, मंजूर है ना? चल हट, जाने दे मुझे, तेरे भैया से कोई चक्कर वक्कर नहीं है मेरा। हाँ अच्छा। तो ये लव लेटर्स किसके है? लव लेटर्स? ये मेरा नहीं है। नहीं है? तो ये आपका होगा 100%? नहीं ये भी मेरा नहीं है। और ये? नहीं है बाबा। ये कोई तो होगा। अब बस भी कर, ये मेरे लेटर्स तेरे पास कैसे आए? हाँ मैं सब जानती हूँ तुम्हारे भैया के बारे में। अच्छा। तो क्या मैं नहीं जानती कि तेरा भी एक बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा कोई नहीं है। ये किसकी तस्वीर है? हाँ हैराम मर गए। ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा। अच्छा बड़ी मुश्किल में हूँ यार। तो शादी क्यों नहीं कर लेती? हाँ अच्छा ही तो है। कैसे कर लूँ? जब तक तेरी शादी की गाड़ी आगे नहीं पड़ ली, मेरी शादी को ग्रीन सिग्नल कहाँ से मिलेगा? अरे भाई इसकी शादी की बात हो रही है। हाँ? मर गए ना, पकड़े गए ना। चाचा जी वो मोहिनी की शादी अपने विजय भैया के साथ। क्या? ओ, अरे किस सोच में पड़ गए दिनो, इससे बढ़िया लड़का तुम्हें कहाँ मिलेगा? बिटिया तुम्हें कमांडो विजय पसंद है ना? जी। देखा शर्मा गई, अब जल्दी से रिश्ता पक्का कर डालो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्षाय मंगलम तनयोहरी सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये तम्बिके गौरी ओम विष्णु विष्णु। अरे नहीं नहीं तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, मेरे दिल में है, मेरी आंखों में है। आज मुझे मेरा नसीब मिल गया, जो चाहा था वो मिल गया।
मेरा इंतजार खत्म हुआ। आज तुम्हारी आंखों में भी वल्लाह क्या बात है, लगता है कि झुकी हुई कयामत की रात है। जाने मन, ये रात फिर कभी नहीं आएगी। इस रात के बाद तुम्हें उम्र भर सताऊंगी। कब तक मेरे आदमियों की नजरों से बचते रहोगे तुम? जिस दिन उन्हें पता चल गया कि मैं कहां हूं, तूफान की तरह वो आएंगे और भूखे शेर की तरह तुम पर टूट पड़ेंगे। अरे तुम तो सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हो, कुत्ते। दिमाग बनकर देश को खोखला करने वाले नापाक कीड़े, वर्दी को गाली देता है, वर्दी को गाली देता है। बोल, कौन है काली टोपी लाल रुमाल? बोल, तेरा अड्डा कहां है? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। बोल, बोलेगा कि नहीं? बोल। तू मुझे कितना भी मार कमांडो विजय, तू थक जाएगा, लेकिन मेरी जुबान से सिर्फ चीखें निकलेगी और गालियां निकलेंगी तेरे लिए सिर्फ का। आखिर कौन है ये काली टोपी लाल रुमाल? दुनिया के लिए सूरज का निकलना। मास्टर के बिना हमारा बिजनेस फेल है, हमारे सब काम फेल। लेकिन सर, ये पता ही नहीं चल रहा है कि मास्टर है कहाँ। मिलिट्री वाले हर रोज मास्टर को एक चौकी से दूसरी चौकी में शिफ्ट कर देते हैं। चाहे वो लोग रोज मास्टर को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में क्यों ना शिफ्ट करें, पर हमें मास्टर को किसी भी कीमत पर अपनी दुनिया में वापस लाना है। मोगा तुम? ओह माय टाइग्रेस, अब की बार मोगा के जूतों का आवाज तुम्हारे वास्ते गोल्ड के सिक्कों का खनखनाहट लेकर आया है। क्या खबर लाए हो मोगा? आज हम तुम्हारे वास्ते बहुत बड़ा न्यूज लेकर आया है। नाउ लिसन, सेंटर से बेलापुर मिलिट्री कैंप की चौकी नंबर 47 के डिफेंस डिपार्टमेंट में एक फाइल आया है जिसमें इंडियन डिफेंस के टॉप सीक्रेट्स हैं। मतलब इस देश में कितना मिलिट्री है, कितना आर्म्स एंड एम्युनिशन है, कितना रॉकेट लॉन्चर्स है, कितना बॉम्ब्स है, कितना मिसाइल्स है और कहां पर है। इस देश का बॉर्डर का कौन सा चौकी कमजोर है, कौन सा चौकी और स्ट्रांग करने का है, ये सब उसमें है। अब अगर तुम लोग किसी भी तरह हमको वो फाइल देने को सकता है तो हम फॉरेन बैंक में तुम लोगों को 100,000 crore देगा। 100,000 crore? Yes, Tigress. अब हम मास्टर को भी छुड़ाएंगे और वो मिलिट्री कैंप से सीक्रेट फाइल भी लाएंगे। जाने जाना, तूने छुआ? मैंने छुआ तो क्या हुआ?
तो क्या हुआ? ओ, मेरे दिल में तो बच गई खलबली, तो आजा बाहों में आ जाओ मंथली। आ गई वार से सुनो, इंडियन आर्मी के सारे सीक्रेट कमांडो विजय ने मिलिट्री कैंप के कंप्यूटर में फीड कर दिए हैं। तुम्हें बड़ी चालाकी से वो तमाम मिलिट्री सीक्रेट हासिल करने हैं। जाओ, विश यू ऑल द बेस्ट। सुनो, तुम लोग यही मेरा इंतजार करना। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। आप कमांडो विजय की धर्म पत्नी है ना? जी जी। अरे भाइयों, ये अपने विजय की धर्म पत्नी है। जाओ जाओ, तुम लोग जाओ। हाँ, आइए ना, आइए 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 सर। जाइए प्लीज। अरे विजय, तुम यहाँ कैसे आ गई? विजय, तुम्हारी जान को खतरा है। विजय, मेरी जान को खतरा? हाँ विजय, वो लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे, मार डालेंगे वो लोग तुम्हें जान से। विजय, मुझे कुछ नहीं होगा, होश में आओ। नहीं विजय, होश में आओ। क्या हो गया तुम्हें? विजय, उन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि अब 24 घंटे के अंदर अंदर मैं किसी मास्टर नाम के टेररिस्ट का पता तुमसे मालूम करके उन लोगों को नहीं बताया तो वो लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। विजय, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, बता दो मुझे कहाँ है वो मास्टर। चुप, मैंने कहा स्टॉप इट, बैठ जाओ। मैंने कहा ना बैठो। देखो मोनी, ऐसी धमकियां हमें बहुत आती रहती हैं कि 24 घंटे के अंदर मिलिट्री कैंप उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या इससे देश के जवान डर जाएंगे? मोनी, ये लोग देश के गद्दार हैं। चाहे हमारी लाशें क्यों ना बिक जाएं, खून के समंदर क्यों ना बह जाएं, हमें अपना कर्तव्य निभाना है, देश के तिरंगे को आसमान पर लहराना है। यह जिंदगी देश के नाम उस दिन कर दी थी जिस दिन ये वर्दी पहनी थी। माँ बाप, भाई बहन, बीवी से भी बढ़कर एक कसम खाई थी, और वो थी इस वर्दी पर खाई हुई कसम। अगर तुम्हें कुछ हो गया विजय। ये क्या हुआ? नहीं, छोड़ो, मैं फर्स्ट एड लेकर आता हूँ। मोहिनी, अरे मोहिनी, तुम ऊपर क्या कर रही थी? मैं वो पर टॉयलेट। मोहिनी, ये कंप्यूटर रूम है, बहुत इंपॉर्टेंट, अंदर जाना सख्त मना है। जाओ टॉयलेट, वहां आए। मिस्टर विजय? यस सर। सुना है तुम्हारी मिसेज आई हुई है यहाँ? यस सर। अरे मोहिनी, ये मेजर साहब है। नमस्ते। जीती रहो बेटा, जीती रहो। यहाँ कैसे आना? वो सर, किसी ने फोन पर धमकी दी थी तो घबरा कर चली आई। अरे बेटा, ऐसी फालतू की धमकियों से डरा नहीं करते। अच्छा, तो मैं चलती हूं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अच्छा सर, ओके। अरे कमांडो विजय तो कामनी को साथ लेके जा रहा है, पीछा करो उसका।
रुक गया। अरे हाँ हाँ अभी याद आया, पिताजी का घर देखा तो उनकी याद आ गई होगी। हाँ वो मैं पिताजी से मिल के आऊँ। चौक से? अच्छा तो आप जाइए ना, मैं बाद में आती हूँ। अरे ऐसे कैसे, घर तो मैं अपनी घरवाली के साथ ही जाऊंगा, चलो मैं भी चलता। नहीं नहीं वो क्या है, अगर आप गए तो क्या होगा, तो बातों बातों में बहुत वक्त लग जाएगा। ये बात तो सही है, ऊपर से ये ससुर से दामाद का काम मिलना ही अच्छा होता है। हाँ। जाओ और अपने पिताजी से मेरे बारे में ढेर सारी शिकायत करके आना। तुम्हारी अदाओं पे प्यार आता है, ना जाने क्यों बार बार आता है। अरे लाओ बेटे लाओ, थैंक यू। अच्छा बाबा मैं चलती हूँ। हाँ हाँ बेटे जल्दी जाओ, उसके आने का टाइम हो गया होगा। बाबा अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ हैं? अरे भाई कमाल है, अभी अभी तुम उधर गई तो इधर कैसे, गड़बड़ बहुत गड़बड़, तुम डुप्लीकेट हो, तुम नकली हो। अरे वो गांव वालों सुनो, अरे बहुत बड़ा धोखा। अरे गंगू क्यों शोर मचा रहा है, अरे बेटे तू गई नहीं अभी तक? जी जा ही रही थी। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अभी अभी ये उधर गई तो इधर कैसे, गड़बड़ बहुत गड़बड़ है। क्या हो रहा है यहाँ? बिशंबर लाला नमस्कार, किधर आओ, अभी अभी ये उधर गई तो इधर कैसे, बोला। ओहो चल भाग यहाँ से, जा तू। जाता हूँ मैं जल्दी है। बेवकूफ कहीं का। बेटी मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आ सका, मालूम पड़ा तुम घर आई हो। तुम्हारे लिए ये छोटी सी भेंट ले लो। तो मैं चलूं? हाँ बेटी जाओ, शंभर चलो एक एक कप चाय हो जाए। क्यों नहीं, 1 2 3 4 हम यहाँ ऐसे जवान तैयार कर रहे हैं जो टेररिज्म को खत्म कर सके, और तुम मजाक कर रहे हो। सॉरी सर, एक तो बिना जान पहचान की तुम्हें आश्रम में रखा, आइंदा ऐसी हरकत की तो आश्रम से निकाल दूंगा। नमस्ते जी। क्या हुआ, दर्द है क्या बेटे? दांत में दर्द हो रहा है। ओहो बेटे तुम बात करो, मैं आता हूं। क्या हुआ, दर्द है क्या? मार पड़ी है, थप्पड़ खाकर आ रहा हूं। आवाजें सुनाई थी तेरे को? हाँ सुनी तो थी। अच्छा वो तेको पड़ी? चल कोई नहीं यार, नन्हे कुछ भी बोल, इस जगह में एक अलग ही मजा है। अरे काय का मजा, सजा है साला। काय की सजा, यहाँ रहना फ्री, खाना फ्री, पीना फ्री, कपड़े फ्री, सब कुछ फ्री। हाँ हाँ अंदर खटमल फ्री, मच्छर फ्री, रोज एक थप्पड़ फ्री। ये फ्री का जो माल है ना मेरे को महंगा पड़ रहा है। तेरे को कितनी थप्पड़ पड़ी अभी तक? 12 थप्पड़ पड़े हैं। और हमें आकर कितने दिन हुए? यही 11-12 दिन। इसका मतलब रोज मैं थप्पड़ खा रहा हूँ? देख राजा तेरे को रहना है रे भाई, तो निकला, यहाँ मैं नहीं रहूंगा, कभी भी सटक जाऊंगा मैं। अरे नहीं नन्हे, मैं तेरा दोस्त हूँ ना, मैं तेरा भाई हूँ, और लोग तो दोस्ती यारी में तो जहर खा लेते हैं यार, तू मेरे लिए थप्पड़ नहीं खा सकता। अरे यार मेरा प्रॉब्लम अलग है यार, एक तो मेरी पॉकेट मारने की आदत नहीं जाती, कल रात को नींद में एक की मैंने पॉकेट मारी, फिर मारते वक्त उंगली का बैलेंस बिगड़ गया, पकड़ा गया, सालों ने मिल के जो मुझे मारा है फिर धोया है यार। फिर क्या पिछले 5-6 जो मारे थे वो पॉकेटें भी देने पड़े वापस। इतना सब कुछ हुआ और मुझे खबर ही नहीं। तुझे क्या खबर है, तू तो सालों के चक्कर में पड़ा हुआ है, ख्वाब जो देख रहा है उसके। मैं बोल रहा हूँ तेरे को झंझरबाजी छोड़, हटा भगा यार, भगा के ले जाओ, शादी कर, क्या होगा दादा, 4-6 महीने की सजा हो जाएगी, जेल में जाके बैठ जाएंगे, और भाई लोगों से मिले हुए कितने दिन हो गया यार, लेकिन इस बार अपन जेलर की पॉकेट नहीं मारेंगे। आई लव यू।
क्यों नहीं करूं? अगर कभी मैं तुम्हें नहीं मिली तो? ए, अगर तुम्हारे भैया शराफत से नहीं माने तो उठा कर ले जाऊंगा तुम्हें। अच्छा, मेरे भैया मिलिट्री कमांडो है, समझे? तो हम भी एक सर फेरे आशिक हैं। प्यार में सर कटा सकते हैं मगर प्यार का सर झुका नहीं सकते। ये हुई ना आशिकों वाली बात। इश्क में दिल देना आता है मैडम तो जान भी दे सकते हैं। आशिकों तो ऐसा। मालूम है तू वही चोर है ना
जिसने कल किसी का हार चुराया था और आज मेरे घर का सबसे कीमती जेवर चुराना चाहता है। भाई साहब, वो मेरा गुजरा हुआ कल था, आज मैं छोड़ नहीं। खामोश। नीम के पेड़ पर शहद के छत्ते लग जाने से पेड़ मीठा नहीं हो जाता। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। आज के बाद अगर तुम इस इलाके में नजर आए तो दुनिया वालों को नजर नहीं आओगे। लेकिन सर, शालू का ख्याल अपने दिल से ऐसे निकाल दो जैसे कोई नास्तिक भगवान का नाम अपने दिल से निकाल देता है। तेरा भी जवाब नहीं भाई, कभी प्यार के तालाब में डुबकी मारता है, लव के स्विमिंग पूल में डाई मारता है, मगर आज तो मजनू, रांझा, रोमियो, फरहाद सारे तुझमें घुसे हुए। अब लगा दिल पे पत्थर। ए, कोई चोट लगी क्या? तू जा यार, दिमाग मत खराब कर, आज मैं वैसे ही अपसेट हूँ। अपसेट? बिल्कुल बिल्कुल, जो कड़की में रोमांस करेगा तो ऐसे ही होगा। अरे भाई, प्यार में लोग अपनी बहुआ के लिए क्या क्या करते हैं। आइसक्रीम खिलाते हैं, लॉलीपॉप खिलाते हैं, फिल्म ले जाते हैं, घुमाते हैं, खर्च करते हैं। उसके लिए जेब में दम होना चाहिए और आपका जो जेब है वो नरम है। लेकिन कोई बात नहीं, अपने पास इतने सारे नोट, ये बटवा कहां से लाए तू ये सब कुछ? अरे अपनी वही आदत जाती नहीं नहीं यार, चलते फिरते एक की मार दी। ये देख, तस्वीर भी है, पता नहीं कौन है। कमांडो विजय, ये तो क्यों भाई, कोई पहचान का तो नहीं? अरे अरे यार, एक 100 की पत्ती तो देखे जा। भाई साहब, भाई साहब, इस घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं आपका बटवा लौटाने आया था। अच्छा, इस घर में आने का बहुत अच्छा बहाना ढूंढा है तुमने। हाँ, पहले मेरा पर्स चुराया, उसके बाद मुझे वापस देकर अपने ऊपर ईमानदारी का ठप्पा लगवाना चाहते हो? हाँ नहीं सर, मैं जानना चाहता हूँ ये तस्वीर आपके पास कहां से आई? इससे तुमसे क्या मतलब? ये तस्वीर मेरी माँ और मेरे बड़े भाई की है। क्या बोला तू? ये मेरी माँ और मेरे भाई की तस्वीर है। ये तुम्हारी माँ और भाई की तस्वीर है? जी। मोनिप, माफ माफ, ये मैं आपकी माँ को कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि उनका बेटा विजय मर चुका है, नहीं तो सदमे से उनकी मौत हो सकती है, उनकी मौत हो सकती है। भाई साहब, आपकी आंखों में आंसू। सर, इसका मतलब आप सबको जानते हैं, प्लीज मुझे बताइए बटवा आपको कहां से मिला? ये मेरे दोस्त का है। आपके दोस्त का? मतलब मेरा भाई। सर सर प्लीज मुझे बताइए वो कहां मिलेंगे? सर वो अभी इस दुनिया में नहीं है। नहीं, नहीं सर, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। सर सर बोल दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, मुनि को कौन डाल सकता है? और मेरी मां, उनका भी देहांत हो गया। मेरा तो सब कुछ लुट चुका है, क्या मैं अपनी मां और अपने भाई की तस्वीर रख सकता हूं? नहीं नहीं नहीं, ये मैं किसी को नहीं दे सकता। सर प्लीज, नहीं, चले जाओ यहां से, मैं ये किसी को नहीं दे सकता, किसी को नहीं दे सकता।
से तुम्हारी मां है और ये तुम्हारा भाई जी। इनके अलावा मेरा सुनिया में और कोई नहीं है। भाई साहब, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछो। क्या क्या सचमुच मेरा भाई सुनिया में नहीं है? सुनो, फिर कभी अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। जा यहां से। सुनो, मैंने तुम्हारी यह तस्वीर तुम्हें दे दी है, सब कुछ दे दिया। अब तुम्हारा मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता था इस तस्वीर का, वो भी टूट गया। जाओ यहां से, जाओ यहां से। सुख मैं किस मकाम पर हूं नहीं है खबर मुझे, मुकद्दर ने मारा कैसा ये खंजर मुझे। मंजिल पे आके अपनी अजब हादसा हुआ, मैं धड़कन को भूल गया और मेरा दिल मुझे। राजा रुक जाओ, राजा राजा मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ऐसी कौन सी बातें जो तुम मुझे बता नहीं सकते? शालू, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मुझे गलत मत समझना। साथ चीनी मरने की कसम खाई थी और अब साथ छोड़ के जा रहे हो? राजू तुम्हें मेरी कसम, बताओ ऐसी कौन सी मजबूरी है? बताओ, क्या तुम मेरे भैया से मिले थे? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमारे रिश्ते से साफ साफ इनकार किया है। साची ने मरने की जो कसमें खाई थी, तुम्हें उन्हीं कसमों की कसम, ये गांव छोड़ के मत जाओ। मैं आप भी जाके भैया से बात करूंगी। भैया, आपको क्या अधिकार है मेरे प्यार के बीच आने का? क्या क्या आपने भाभी से प्यार नहीं किया? प्यार करके भाभी से शादी नहीं की? तो अगर आज मैं किसी से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, तो आप हमारे बीच दीवार क्यों बन गए? बोलो भैया, क्या अधिकार है, क्या अधिकार है आपको? इससे अधिकार पूछ रही है? पिता समान भाई से अधिकार पूछ रही है तू? अरे ये इतना महान है, इसके सामने मेरे अधिकारों की भी कोई कीमत नहीं है। अगर आज मेरा बेटा मेरा अपना विजय भी होता, तो वो इतने फर्ज नहीं निभाता जितने इस बेटे ने निभाए हैं। दुनिया के सारे बेटे अपनी मां के कोख को दर्द देकर जन्म लेते हैं, लेकिन ये तो वो बेटा है जिसने मेरी कोख को दर्द नहीं दिया, बल्कि मेरी सारी जिंदगी के दर्द दूर कर दिए। इसने हमारे लिए अपनी सारी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। इसने कभी अपने घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा, इसके अपने कहां है, किस हाल में है। इसने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया, इसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। एक माँ का सगा बेटा बनकर जीता रहा। माँ तुम, मुझे अस्पताल में मालूम हो चुका था बेटा कि मेरा अपना बेटा मर चुका है। अपने बेटे को खोने के गम में मेरा कलेजा तो फट गया था, लेकिन तुझ जैसे बेटे को पाने के लालच में मैं जरा स्वार्थी हो गई, इसलिए मैंने अपनी जुबान पर ताले लगा लिए ताकि हमारे बीच ममता का जो ये रिश्ता है उस पर कोई आंच ना आए। तू मेरा बेटा नहीं, मेरा मसीहा है। इस घर में वही होगा जो मेरा बेटा चाहेगा। चल पैर छू इसके। भैया, मैं
भैया मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। अरे भाई तुम लोग गांधी आश्रम छोड़कर कहाँ चल दिए? बस हमने अभी टिकट भी खरीद लिया है, अब हम चलेंगे। क्यों भाई, हमारे आश्रम का खाना और हवा पसंद नहीं आई क्या? नहीं ऐसी बात नहीं, खाना भी पसंद है, हवा भी अच्छी है, लेकिन यहाँ का माहौल जरा ठीक नहीं है। क्यों, माहौल में ऐसा कौन सा तूफान आ गया? मास्टर जी ऐसा है, ये तो मोहब्बत करने वाले हैं, मोहब्बत करते रहेंगे कमांडो की बहन से, मगर कमांडो ने इनके मुंह में गरम गरम आलू दे दिया है। अब आशिक का मुंह भी जल गया है, दिल भी जल गया है, हम नहीं जलेंगे, हम चलेंगे। अरे अरे हाँ। देखो बच्चों, कामयाबी नाकामयाबी हार जीत ये तो धूप छाव की तरह होती है। अभी अगर सुबह है तो थोड़ी देर बाद रात भी होगी, रात होगी तो फिर सुबह होगी, इसलिए अंधेरों से मत घबराओ, उजाले का इंतजार करो। मैं तो कहता हूं कि सोच विचार लो और मेरे साथ गांधी आश्रम चलो, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूं। सर सामने वाली पहाड़ी के पीछे ही लाश मिली है। सर लाश बुरी तरह से सड़ चुकी है, सिर्फ जूते नहीं सड़े। जख्म का कोई ऐसा निशान है? नहीं सर। जाओ गौर से देखो, अगर उसकी पीठ पर ऐसा निशान है तो वो मुजरिम है, दुश्मन देश की जासूस है वो। ऐसी नजरों से क्या देख रहे हो? मॉडर्न ड्रेस है, मॉडर्न। आज जरा अलग नजरों से देखो ना। उसी नजर से तो देख रहा हूं, मगर चारों तरफ आईनों का साया दिखाई देता है, समंदर के पास है फिर भी बंदा प्यासा दिखाई देता है। समझ न सकोगे तुम हमारे दिल की आग को, और जब समझोगे तो भूल जाओगे अपने आप को। वाकई मोनी, मैं सब कुछ भूल गया हूं, मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ याद नहीं है। तुम्हारी बीवी की पीठ पर कोई निशान नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। तुम झूठ बोल रहे हो कमांडर विजय, और याद रखो जुर्म को छुपाने वाला उतना ही बड़ा मुजरिम होता है जितना कि जुर्म को करने वाला। सर आप मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं खुद आपको अपनी पत्नी की पीठ दिखाने को तैयार हूं। विजय सॉरी सर, मेरी पत्नी आपकी बेटी समान है, और अगर बाप बेटी की पीठ देख ले तो कोई पाप नहीं है। Oh!
कामिनी, कामिनी तू जिंदा है? हाँ मैं जिंदा हूँ। कॉलेज में मैं हेरोइन लेती थी, चरस पीती थी, आज भी पीती हूँ। ना डैडी से तुम मेरी शिकायत करती, ना डैडी मुझ पर गुस्सा करते, और ना ही मैं यहां होती। मेरी प्यारी सी बहना, मेरी बर्बादी का कारण तुम हो। तुम्हारे ही कारण मैंने घर छोड़ा था। हाय कामनी। हे 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 बेबी, पहचान तो नहीं अपुन को क्या? अरे अपुन टोनी, टोनी उस दिन डिस्को में मिला था यार। हे हे बेबी, होल्ड इट होल्ड इट, ये सी 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 दे सी दे सी दे, पहचाना पहचाना? काम करी क्या? हे वेल डन वेल डन वेल डन। हमें इसी गद्दार की तलाश थी, जिंदा या मुर्दा। हमारी दुनिया का बहुत ही खतरनाक आदमी था ये, और तुमने उसे मार डाला। मतलब तुम उससे भी ज्यादा खतरनाक हो और हसीन हो। इंसानों की दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, लेकिन हमारी दुनिया में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। उसके बाद यही मेरी दुनिया बन गई, और अब मैं तेरे पति कमांडो विजय के पास उसकी पत्नी बनकर जाऊंगी, और वो तमाम मिलिट्री सीक्रेट्स हासिल करूंगी जो हमारा मिशन है। कामिनी, कामिनी नहीं, शट अप! भगवान के लिए ऐसा मत करना, ऐसा मत करना कामिनी, ऐसा मत करना। लो ना जी। मोहिनी, मोहिनी, अरे भाई क्या है, कब से आवाज दे रहा हूं तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? आ, आ, अरे भाई कब से आवाज दे रहा हूं तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? आजकल की पत्नियों को हो क्या गया? खाना पकाती है म्यूजिक, कपड़ा धोती है म्यूजिक, अभी घर की सफाई भी करी वो भी म्यूजिक है ना। आप बैठिए ना, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। अरे रे 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 रे, एक मिनट एक मिनट। जी क्या? ना कपड़े उतारे, ना घड़ी उतारी, ना वो क्या हुआ? आज काम करते वक्त कमर में थोड़ी मोच आ गई, इसलिए। तो फिर बैठो बैठो, मैं तुम्हारी कमर में मलहम लगा देता हूँ। नहीं नहीं, दर्द इतना ज्यादा नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा। आज कुछ गड़बड़ है। अरे आपने तो अभी तक पति की थकान दूर करने की आइटम तक नहीं दी। जी जी, भूल गई। करो, एक मिनट, आज तो स्पीड कमाल है। क्या करूं, आज बालम पर ज्यादा प्यार आ रहा है। अच्छा, फिर तो हो जाए। कमांडो विजय। हाँ, अरे मोहिनी गर्म पानी तैयार करो, मुझे नहाना है। हाँ जी, अभी नहीं। सुनो, मास्टर को चौकी नंबर 17 में शिफ्ट करना है, पूरी खबरदारी के साथ।
चारों तरफ सख्त पहरा लगा दो। ओवर। हाँ कामनी, कोई मैसेज? आज मास्टर को 17 नंबर की चौकी में शिफ्ट किया जा रहा है। कब तक मुझे एक चौकी से दूसरी चौकी शिफ्ट करते रहोगे आखिर? कब तक? नहीं, जब तक तुम्हारे ग्रुप को कमांडर विजय गिरफ्तार नहीं कर लेता तब तक। जब तक तेरे जैसे देशद्रोहियों को खत्म नहीं कर देते तब तक। चल अंदर, चल। हम तुम्हारी वफादारी और बहादुरी से बहुत खुश हुए। वाकई तुम जाबाज हो गुरु। मास्टर, जाबाज हम नहीं बल्कि ये है। तुम? हाँ, लेकिन तुमने तो हमारा काम करने से इनकार कर दिया था। हाँ, मैंने आपके साथ काम करने से इनकार किया, वजह शालू। और आज मैं आपके साथ हूं, वजह शालू का भाई कमांडो विजय। उसने मुझे थितकारा है, मेरा प्यार मुझसे छीना है। मैं उसकी जिंदगी छीनना चाहता हूं, उसे बर्बाद और तबाह देखना चाहता हूं। बहुत आगे जाओगे जिंदगी में, बहुत आगे जाओगे, क्योंकि नफरत की ज्वाला ज्वालामुखी से भी ज्यादा भयंकर होती है। देखना, एक दिन कमांडो विजय कीड़े मकोड़े की तरह हमारे जूतों पर रेंगता हुआ नजर आएगा। जेल में गुजरे हुए हर पल का हिसाब जो उसे देना है, हर पल का हिसाब। ले ले। मास्टर, आपको जब मेरी जरूरत पड़े तो मैं गांधी आश्रम में मिलूंगा। गुड बाय। वेलकम मास्टर। तुम लोग जाओ। आजादी मुबारक हो मास्टर। वाह काली टोपी लाल रुमाल, मुझे जेल से छुड़वाने के लिए सही आदमी को चुना था तुमने, जो कमांडो विजय से नफरत करता है और उसकी नफरत में हमारी कामयाबी है। कामिनी, कामिनी यह। कामिनी, हमारा मिशन कामयाब हो गया। ओके। कमांडो विजय, आप चुपचाप हमारे साथ चलो। जरा भी हरकत की तो मैं तेरी बीवी को शूट कर दूंगा। बोल, जो सीक्रेट्स तूने हेडक्वार्टर्स के कंप्यूटर में फीड किए हैं तो हमें देगा या नहीं? मर जाऊंगा लेकिन अपने देश से कभी गद्दारी नहीं करूंगा। क्या तुम्हें अपनी पत्नी से, होने वाले बच्चे से प्यार नहीं है? अपनी औलाद के साथ साथ उन तमाम बच्चों से भी प्यार है जो इस देश में जन्मे हैं। भारत की 90 करोड़ जनता से जिन्हें यह विश्वास है कि हम जैसे जवानों के होते हुए इस देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यह देश फिर से गुलाम नहीं हो सकता। अच्छा, तो तुम्हारा देश इतना महान हो गया? अरे तू क्या समझेगा इस देश की महानता को? तू वफादारी को क्या जानेगा? तू तो विदेशियों के जूते चाटने वाला, उनके सामने सुम हिलाने वाला कुत्ता है। hey!
ऑर्डर से सीक्रेट्स निकाल के देगा या नहीं? रुक जाओ मास्टर। लेकिन लेकिन मास्टर, तुमने ट्राई किया, अब हम ट्राई करेंगे, क्योंकि इसके मुंह का जो ताला है ना, उसके खोलने का चाबी भी हमारे पास है। काली चमड़ी का सुअर, कान खोल कर सुन ले, तुझे मेरी लाश मिल सकती है, लेकिन वो सीक्रेट नहीं, कभी नहीं। मास्टर, अब इसका मुंह का ताला का चाबी खोलने के वास्ते हम अभी मंगवाते हैं। आए जी, खोलने का चाबी लेकर आओ, अभी लाए। डॉक्टर आप? यस कमांडो विजय, ये एक इत्तेफाक है कि आपकी माँ का इलाज भी मैंने किया था और आज आपका भी, लेकिन मुझे अफसोस है कि आपको होश मिलाने के लिए मुझे कई महीने लग गए। कई महीने? हेलो कमांडो विजय सर, आई एम मेजर बेदी फ्रॉम दिल्ली। और मैं कैप्टन खन्ना फ्रॉम फूलपुर सेक्टर। नई जिंदगी मुबारक हो। थैंक यू सर। वी आर वेरी हैप्पी कि जहां मास्टर ने आपको कैद किया था वहां पर हमारे जवानों ने हमला करके आपको छुड़ा लिया। और मेरी पत्नी? वो अभी जिंदा है, मगर एक बहुत बुरी खबर है। क्या? मिलिट्री हेडक्वार्टर पर मास्टर ने कब्जा कर लिया है। मास्टर पिछले कई महीनों से कंप्यूटर के कोड नंबर मालूम करके सीक्रेट फाइल निकालने की कोशिश कर रहा है। उन तमाम कंप्यूटर के सीक्रेट कोड वर्ड्स सिर्फ आप जानते हैं। अगर जल्द ही आपने उन कंप्यूटर्स में से सीक्रेट्स नहीं निकाले तो मास्टर को हमारे तमाम सीक्रेट्स का पता चल जाएगा। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं ले आऊंगा वो तमाम सीक्रेट्स। अपने देश की ताकत का कोई भी राज दुश्मन के हाथ नहीं लगने दूंगा मैं, नहीं लगने दूंगा। नहीं विजय नहीं, हम बहुत मुश्किलों से उनके चंगुल से निकले हैं। मैं तुम्हें फिर से मौत की मुंह में जाने नहीं दूंगी। तुम्हें मेरे सिंदूर की सौगंध है, अपने होने वाली औलाद की कसम है। छोड़ दो ये नौकरी, ये वर्दी। नहीं मोहिनी, मैं जीना छोड़ सकता हूं मगर ये वर्दी नहीं। मैं अपने आप से मुंह मोड़ सकता हूं मगर अपने फर्ज से नहीं। क्या तुम्हें अपनी पत्नी की जरा भी फिक्र नहीं? अपने होने वाली औलाद की कोई परवाह नहीं? मैडम, कुछ लोग जीते हैं अपने परिवार के लिए और कमांडो विजय जीता है अपने देश के लिए। वाह कामिनी, तुम्हारी अदाओं का जवाब नहीं। ये हमारी शतरंज की आखिरी चाल है मास्टर। मास्टर, आपके प्लान के मुताबिक मैंने कमांडो विजय को यकीन दिला दिया है कि वो वाकई पिछले कई महीनों से बेहोश था। मैंने उसे ऐसा इंजेक्शन दे दिया है कि आने वाले 24 घंटों में उसके दिमाग पर ऐसा सुरूर छाया रहेगा कि उसके बाद आप जो चाहेंगे वो करेगा। गुड, डॉक्टर को उसके पैसे दे दो। 50,000? लेकिन आपने तो 5,00,000 रुपए देने का वादा किया था। मास्टर, जो काम मैंने पैसों के लालच में आकर किया है ना, वो कोई भी दुनिया का डॉक्टर नहीं करेगा। लालच और लालची फितरत हमें बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं मास्टर, मुझे माफ कर दो मास्टर।
कई महीनों से बेहोश था, तो मेरा यह जख्म क्यों नहीं भरा? इसका मतलब यह साजिश है। रुक जाओ। भारत सरकार के सारे फौजी राज कंप्यूटर से निकालकर और कंप्यूटर से कैंसिल करके दुश्मन देश से तुम करोड़ों रुपए हासिल करना चाहते थे। मुझे फंसाया गया सर, ये देखिए मेरा जख्म, ये देखिए। Shut up! You are under arrest, गद्दार। मैं गद्दार नहीं हूं सर, मुझे गिरफ्तार करके बहुत बड़ी गलती कर रहे। मैं देशद्रोही नहीं हूं, मैं गद्दार नहीं हूं सर, मैं गद्दार नहीं हूं। हेलो, हैंड्स अप। मुझे तुम पर भी शक था बल्लाज खुराना। सर ये आप क्या कर रहे हैं? मैं वो नहीं हूं जो आप सोच रहे हैं। तो फिर कौन हो तुम? आई एम फ्रॉम द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। मैं दिल्ली से आया हूं एंड दिस इज माय आइडेंटिफिकेशन कार्ड। पहचानने में गलती हो गई। सर मैं अपने सीनियर ऑफिसर को यहां की पोजीशन के बारे में इन्फॉर्म करना चाहता हूं। डोंट वरी दैट आई विल डू। पर वो ड्यूटी तो मेरी है ना सर। अब मैं जो कहता हूं वो करो। तुम कमांडो विजय को लेकर हेडक्वार्टर जाओ और वहां उसका कोर्ट मार्शल करवाओ। सर ये केस आपका है, बेहतर होगा कि आप ही विजय को ले जाए। अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो गया है खुराना। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं गद्दार नहीं हूं, मुझे फंसाया गया है, ये बहुत बड़ी साजिश है। अगर मैं कह दूं क्या तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेजर कपूर स्पीकिंग। मास्टर कांग्रेचुलेशंस, हम अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। भारत सरकार की फौज के सारे राज मेरे पास हैं इस वक्त। और कमांडो विजय? डोंट वरी अबाउट कमांडो विजय, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। उसकी गाड़ी में टाइम बम लगा दिया है मैंने। यही वो बम है ना मिस्टर मेजर, जो तुमने मेरी जीप में लगाया था मुझे खत्म करने के लिए। मिस्टर कपूर, मेरा शक तो उसी वक्त यकीन में बदल गया था जब तुमने मुझे मेरे सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म करने से मना किया था। गद्दार मैं नहीं हूं मिस्टर मेजर, गद्दार तुम हो और तुम्हें मास्टर डीडी के अड्डे का पता बताना होगा। उनके लोग उन पहाड़ियों में कहां छिपे हैं वो जगह बतानी हो। कोर्ट मार्शल अब मेरा नहीं तुम्हारा होगा मिस्टर मेजर। मोहिनी, सॉरी मोहिनी नहीं, कामिनी। कामिनी, आपकी पत्नी की हम शक्ल, जुड़वा बहन हूँ जीजा जी। सीधी तरह से बैग मेरे हवाले कर दो, नहीं तो विजय की खोपड़ी उड़ा दूंगी। नहीं। लाओ। मुझे खबर दे दी कि कुछ लोग रात को आकर भाभी से मिलते हैं, तो मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए मैं उनकी गैंग में शामिल हुआ। फिर पता चला कि आपकी जान खतरे में है और भाभी काली टोपी के कब्जे में है, तो उनका विश्वास जीतने के लिए मैंने मास्टर को जेल से छुड़ाया और भाभी को भी बचा लिया। हिफाजत से इतना बड़ा एहसान किया मुझ पर। भाई भाई पर कभी एहसान नहीं करता। हाँ भैया, शालू ने मुझे सब कुछ बता दिया।
मेजर के साथ हमारे हवाले कर दो। कहीं तो उधर देखो मास्टर, मैं सिगरेट के साथ मेजर को छोड़ रहा हूं, तुम मेरी बहन को छोड़ दो। ओके ओके, छोड़ दो उसे। ये क्या है, ये क्या है? इस बॉम्ब का रिमोट मेरे हाथ में है, मुझे चुपचाप मास्टर तक पहुंचना है। रास्ते में कोई होशियारी की तेरी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मास्टर, मैं मिलिट्री शिखर से बैग लेकर आ रहा हूं, कमांडो की बहन को छोड़ दो। क्या मतलब उसे? देश के सिगरेट्स गद्दारों के हाथ नहीं लगने चाहिए। ये क्या कर रहा है तू? बेचकर करोड़ों कमाएंगे, करोड़ों। कोई पार्टनर नहीं, करोड़ों मैं कमाऊंगा, सिर्फ मैं। I'm the king. हिंदुस्तान को बेच के करोड़ों मैं कमाऊंगा। तुझे तो खुजली वाला कुत्ता काटे ताकि तू खुजला खुजला के मरे। सुअर तू मरेगा ना, तुझे सुअर के साइज के कीड़े पड़ेंगे। मैं देखते क्या, मारो इसको, ये मेरा हुक्म है। मारो मारो। गोली बर्बाद करना नहीं चाहता, मेरे को चलाने भी नहीं आता। ये है गद्दारी का इनाम। Thank you.
झपड़ेबाज फांदेबाज हरामखोर, साले कितने झापड़ा मारे थे, कुछ कंट्रोल था तेरे को? तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे ले जाके मारना चाहिए। ले जाओ इसको।